హైదరాబాద్ బండ్లగూడ జాగీర్లో సరస్వతి విద్యాపీఠం పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం జరుగుతోంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆర్ఎస్ఎస్ అధిపతి మోహన్ భగవత్ హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన మాట్లాడుతున్నారు, ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. బహుత్ వర్షం కి బాద్ జహాం పఢే వహా జానా మిత్రోం కో మిల్నా ఇస్కా ఏక్ ఆనంద భీ రహతా హై ఔర్ ఉస్ ఆనంద కే లియే యే పూర్వ ఛాత్ర సమ్మేళన్ होते रहते हैं. पूर्व छात्र सम्मेलनों के बारे में और भी एक कारण रहता है. शिक्षा संस्थाओं को चलाना आजकल थोड़ा कठिन हो गया है, सहायता चाहिए. यद्यपि शिक्षा सब मनुष्यों की आवश्यकता है, शिक्षा संस्थाओं को सहाय्य देने वाले ढूंढने पड़ते हैं, तो स्वाभाविक अपने पूर्व छात्रों से अपेक्षा करती है शिक्षा संस्था. अपने यहां परंपरा भी है. अभी हमारे विशेष अतिथि महोदय ने उल्लेख किया तीन ऋणों का, उसमें एक गुरु ऋण भी है. तो उस ऋणों का ठीक से विनिमय करना यह अपेक्षा भी रहती है. उसके लिए भी पूर्व छात्र सम्मेलन होते हैं. परंतु विद्या भारती का जो पूर्व छात्र सम्मेलन है उसमें बहुत वर्षों के बाद फिर से जहां से हमने शिक्षा प्राप्त की वहां प्रांगण में जाना और अपने साथ पढ़े हुए सहाध्यायियों से मिलना जुलना, इसका आनंद तो है ही, होना भी चाहिए. और विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़े हुए छात्रों को स्वाभाविक ऐसा लगना कि हम कुछ सहायता करें, यह भी स्वाभाविक है और इसलिए उचित ही है. अभी जो पूर्व छात्रों के बारे में यहां तरह तरह के कथन हुए उसमें ये बातें आई, बिल्कुल ठीक है. परंतु विद्या भारती की अपेक्षा हमसे क्या है? अपने देश में जब विद्या भारती का काम शुरू हुआ, बहुत छोटे रूप में शुरू हुआ, एक शिक्षक और कुछ छात्र किसी सज्जन के अपने जगह में उन्होंने विद्यालय चलाने की अनुमति दी, इसलिए गोरखपुर में शुरू हुआ. वेतन वगैरह वगैरह कुछ आचार्य को भी मालूम नहीं था कितना, और बच्चों को भी पता नहीं था कि इस स्कूल में हम पढ़ने जाएंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या है. इतना एक छोटा सा मूल गंगोत्री की धारा, गंगा की धारा गंगोत्री में जैसी छोटी सी रहती है. लेकिन ये क्यों शुरू हुआ? उस समय भी बड़े बड़े विद्यालय थे, आज भी है. विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय नहीं चला रही विद्या भारती. तो विद्यालय क्यों चलाया जाता है, क्यों चला रहे हैं विद्या भारती के लोग? प्रत्येक विद्यालय में एक अवतरण लिखा हुआ मिलता है. हमें इस प्रकार के छात्र तैयार करने हैं, भावी पीढ़ी को ऐसे तैयार करना है. लंबा है, आप सब लोगों ने पढ़ा है. मैं जब जब विद्यालयों में जाता हूं विद्या भारती के, उसको पढ़ता हूं, लेकिन मुझे कंठस्थ नहीं है इसलिए पूरा नहीं कहता. परंतु क्या अपेक्षा है? और वो अपेक्षा केवल अपने संगठन के लिए नहीं है, वो अपेक्षा देश समाज के लिए है. क्योंकि मनुष्य प्राणी का अस्तित्व एक व्यक्ति के नाते अलग थलग अकेले का हुआ तो भी उसका जो जीवन है वो कभी अकेले का रहता नहीं. देश के लिए अनेक वीरों ने बलिदान किया, अपने यहां परंपरा है. किसी भी कार्य के लिए मृत्यु का वरण करना उतना कठिन नहीं लगता. उस कार्य के लिए अगर एकांतवास की सजा मिली तो उसको सहन करना ज्यादा कठिन होता है. अब दोनों का मुझे अनुभव नहीं है, जिनको अनुभव है उन्होंने बताया है.
मनुष्य मर भी सकता है आनंद से, लेकिन मनुष्य को कुछ वर्षों के लिए अगर अकेला रखा जाए तो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसको साथ में रहना पड़ता है, और साथ में रहना तो बहुत जीव करते हैं, केवल मनुष्य नहीं करता। अनेक प्राणी झुंड में रहते हैं, लेकिन उनका झुंड में रहना अपने प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। अकेले जी नहीं सकते, अकेले जीना चाहेंगे तो इस दुनिया में वो टिक नहीं सकते, इसलिए वो झुंड में जीते हैं। मनुष्य संबंध चाहता है, इसलिए उसका जीवन सामुदायिक है। मुझे किसी की जरूरत नहीं अपना जीवन चलाने के लिए, तो भी मैं अपने चारों ओर अपने लोगों को देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, उनके लिए खटना चाहता हूं, परिश्रम करना चाहता हूं। मैं उनकी सेवा करूं, कभी वो मेरी सेवा करे, ऐसा आदान प्रदान चलता रहे, ये मनुष्य का स्वभाव है। अकेला मैं कमा नहीं सकता, इसलिए मैं सबको साथ लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे समूह में रहने के लिए मनुष्य को इच्छा तो रहती है, लेकिन समूह में रहने के लिए उसका अनुशासन भी पालन करना पड़ता है। और जैसे मनुष्य को यह एक स्वाभाविक संबंधों का भान उसकी अपनी विशेष बुद्धि के कारण होता है, प्राणी को तो वो बुद्धि नहीं रहती, वो विचार नहीं करता, कॉग्निटिव एबिलिटी ऐसा अंग्रेजी में कहते, उसके पास नहीं है, इसलिए वो विचार नहीं करता, अपनी भावनाओं का एक विश्व नहीं बनाता, वो केवल भौतिक आवश्यकताओं को समझता है। जब तक वो पूरी होती है वो सुख में है, नहीं हुई तो चोरी करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करेगा। जिस दिन मरना है उस दिन मर जाएगा, उसको पता भी नहीं क्यों जन्मा है और क्यों मर रहा है। मनुष्य का ऐसा नहीं है, वो विचार करता है। विचार करता है तो दोनों परिणाम हो सकते हैं। विचार पूर्वक मनुष्य एक अच्छा जीवन अपना बना सकता है, और विचार पूर्वक मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकता है। विचार करना, केवल विचार करने मात्र से आदमी अच्छा नहीं बनता, विचार की दिशा होनी पड़ती। नहीं तो एक ऐसा किस्सा बताते हैं, एक छोटा सा गांव था, वहां एक किसान था, अच्छा खाता पीता था, उसके पास पैसा भी था, तो आसपास के गांव में से, उसके गांव में से कोई जरूरतमंद किसान अगर आता है तो उसको पैसा भी देता था, ब्याज नहीं लेता था, पैसा वापस दो बस इतना ही रहता था, और कुछ छोटी मोटी एक वस्तु रखो, 3 महीने के बाद पैसा वापस करने वाले हो, 3 महीने मेरे पास रखो, डिपॉजिट तारण जिसको कहते, ऐसा कुछ रखो, इतना ही रहता था। सुस्वभावी था, इसलिए लोगों में भी प्रिय था, उसकी भी अपनी खेती थी, लेकिन संपन्न था तो खेती में काम करने वाले नौकर चाकर भी थे, उनको अच्छा वेतन वगैरह भी देता था, उनकी भी चिंता करता था, कुल मिलाकर उसका बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके कारण उसको फुर्सत भी बहुत रहती थी। सुबह एक बार उठ के स्नान ध्यान सब करके, नाश्ता वगैरह करके, खेत में जाके एक चक्कर मार के आए तो दिन भर खेत का काम उसके जो सेवक थे वो ठीक करते थे। तो बाद में वहां से वापस आने के बाद भोजन करना, थोड़ा सा सुस्ताना, बाद में आंगन में खटिया डाल के जैसा उस समय होता था हुक्का पीते पड़ा रहता था। अब खाली आदमी विचार करता है, विचार तो करता ही है आदमी, विचार उसका गुण है, वो भी विचार करता था। एक बार उसके पास एक किसान आया, उसने 300 रुपए लिए और बदले में अपना बैल बांध दिया, 3 महीने के बाद मैं आके
इसको वापस ले जाऊंगा, 300 रुपए आपके दे दूंगा। गया, वो बैल है तो वो आंगन में बांधा है, रुप चारा वगैरह मिल रहा है उसको। ये रोज शाम को आंगन में खटिया डाल के उस बैल को देख रहा है। देखते देखते उसका विचार चल पड़ा कि बैल बड़ा सुंदर है, उसके सींग भी सुंदर है, अपने यहां पर अपनी देसी नस्ल है काठियावाड़ी, उसके सींग कैसे बिल्कुल सिमेट्रिकल और ऐसे गोल सुंदर आकार के होते, वैसे उस बैल के थे। तो ये बहुत सुंदर है, विधाता ने कैसे बनाए होंगे, किसने गढ़ा होगा, कितना सुंदर है। ऐसे अगर किसी चित्र की फ्रेम बनाई तो चित्र कितना अच्छा दिखेगा। और कोई चित्र क्यों, मेरा फोटो इसमें अगर लगाया तो कितना सुंदर दिखेगा, लगाया जा सकता है क्या कैसा? क्योंकि आदमी विचार करता है, थोड़ा बहुत अहंकार होता है तो विचार घूम फिर के अपने पर ही आता है। तो विचार करने लगा, करते करते 3 महीना बीत गया। अब कल वो किसान आएगा, पैसे देगा, बैल लेके जाएगा। तो उसको लगा कि विचार तो बहुत कर रहा हूं मैं कि उसमें मेरा फोटो कैसे दिखेगा, लेकिन देखना चाहिए एक बार। तो अब करना कैसे, फोटो तो है नहीं, फोटो यानी उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, चित्रकार को बुला के चित्र निकाल लेते थे, तो वो तो है नहीं, लेकिन देखना तो है कि अगर चित्र निकाला और ऐसे सींगों की फ्रेम बनाई तो उसमें कैसा दिखता है। तो उसने क्या किया, उसमें दीवार का दर्पण निकाल लिया, हाथ में लिया और चुपचाप बैल के पीछे गया और कूद कर एकदम उसके पीठ पर बैठ गया और अपनी मुंडी उसके सींग में डाली और दर्पण सामने पकड़ा और देखने लगा कैसे दिखता है। अब उसका तो ठीक है, लेकिन बैल बिगड़ गया, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं, एकदम कोई कूद के आके पीठ पर बैठ गया, सामने वो दर्पण है, उससे सूर्य किरण चमक रहे, उसने एक झटका दिया और रस्सी टूट गई और बैल भागा। भागा तो ये उतरने को हुआ, लेकिन मुंडी फंस गई सींग में, तो उतर न पाए। दौड़ रहा है बैल, ये चिल्ला रहा है, गांव के सब लोग घरों के बाहर आ गए, क्या है? तो देखते तो गांव का साहूकार अच्छा किसान, वो बैल पर मुंडी फंस गई उसकी सींगों में। अब हुआ कैसे किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसको तो उतारना है ना। तो लोग भागे उस बैल के पीछे, तो और डर गया वो बैल और भागने लगा। 2-2.5 घंटा ऐसा तमाशा होने के बाद वो बैल पकड़ में आ गया, रोका उसको, इसको नीचे उतारा, कहाँ लगा है क्या लगा है घर पर लाया, मलम पट्टी वगैरह हो गई। गांव के बड़े बूढ़े आ गए और पूछने लगे कि अरे भैया ये चमत्कार कैसे, तुम वहां कैसे पहुंच गए बैल के पीठ पर? तो उसने बताया कि मुझे देखना था फोटो। तो एक बुजुर्ग ने कहा, अरे पागल हो क्या, कुछ विचार तो करते हैं ऐसा करने के पहले। तो बोले कुछ विचार, पूरा 3 महीने विचार करके किया है। तो आदमी विचार तो करता है, लेकिन उसकी अगर दिशा नहीं रही तो ऐसे गड़बड़ होती है। आज की दुनिया में हम देखो कितना विचार किया है आदमी ने। आदमी जो गुफाओं में रहता था जंगली जानवरों की शिकार करके और अपना पेट भरता था, कपड़े पहनता था नहीं पहनता था, पत्थर के औजार बनाता था, विचार कर करके आज कैसा बन गया है। वो चंद्रमा पर जाता है, वो मंगल पर जाता है, वो हवा से पानी तैयार करता है, कितना विचार किया है आदमी ने। लेकिन ये भी अनुभव आता है कि उस बैल पर बैठे साहूकार जैसी भी आदमी की अवस्था हो गई है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना विज्ञान आगे बढ़ा, उसका उपयोग करते करते हमने जो पर्यावरण की हानि की उससे कैसे उबरना, उसको समझने में नहीं आता कि सुख सुविधा इतनी बढ़ गई उसके कारण एक तरफ साइकोसोमेटिक डिजीजेस बढ़ गए, क्योंकि सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुत खटना पड़ता है, लोग कम है, लोग ज्यादा है, साधन कम है, अर्थशास्त्र का तो सिद्धांत ही है, एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड, साधन मर्यादित है और हेतु अमर्यादित है,
और इसलिए जो स्पर्धा चलती उसका तनाव भी बढ़ गया। इतना मनुष्य सोचने वाला, उसने इतना कुछ ज्ञान सोच लिया, लेकिन अपने अहंकार पर, अपने कट्टरपन पर, अपनी शोषण की प्रवृत्ति पर, अपने स्वार्थ साधन के स्वभाव पर उसका लगाम नहीं है। वो ये समझता है कि मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो पशु पक्षी जीव जंतु सब आवश्यक है, लेकिन तात्कालिक अपने पेट की आवश्यकता के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको नाश करने से कम नहीं करता। अब ये जो अधूरी जानकारी के आधार पर, दिशाहीन चिंतन के आधार पर गढ़े हुए विकास के बैल पर जो बैठ गया है आदमी, उसकी मुंडी फंस गई है उसी चिंतन में, और उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि नीचे कैसे उतरे। इसको प्रकाश कौन देगा? इसको प्रकाश देगा एक ही है, भारत देश। दूसरे जगह से संभव नहीं, क्योंकि जिस आधार पर यह विकास चला वो आधार ही अधूरा है, और उस अधूरेपन को भरने वाली बात उनके पास नहीं है, वो हमारे पास है। वो बात मनुष्य के हित को, समुदाय के हित को, सृष्टि के हित को एक साथ चलाती है, एक साथ बढ़ाती है। हम उसको परमात्मा कहते हैं। सारे सृष्टि का अस्तित्व एक है, विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है, और इसलिए इन सबका विकास साथ में होगा। मेरा विकास होगा तो मेरा विकास इस ढंग से होगा कि मेरे विकास का लाभ मेरे समुदाय को मिलेगा, उसका भी विकास होगा, और मानव जाति ऐसे विकसित होगी कि सृष्टि खराब नहीं हुई, सृष्टि अच्छी चलेगी। ये थियरी नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। पूरे 3000 साल इस ज्ञान के आधार पर हमारा देश विश्व का सिरमौर देश प्रत्येक विषय में था, अर्थस्थिति में भी हम सारे विश्व के आगे थे। 10000 साल से खेती हो रही है अपने देश में, हमारी जमीन ऊसर नहीं होती, वो सदा सर्वदा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम रहती है। अफ्रीका में जाइए, विदेशी लोगों ने वहां पर 400 साल 600 साल खेती की, बंजर हो गई जमीन, उनके यहां कानून लाना पड़ता है कि खेती मत करो, 5 साल 15 साल 20 साल जमीन को विश्राम करने दो, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। ऐसा जीवन का तरीका हमने ढूंढ के निकाला कि हमने उन्नति की, हमारे यहां व्यक्ति भी स्वतंत्र रहा, उन्नत रहा, समुदाय भी एक दूसरे से जुड़ा रहने के बाद भी उन्नत हुआ, और इस मानव जाति की उन्नति ने कभी पर्यावरण की हानि नहीं की, क्योंकि हमने सबने पवित्रता देखी, हमने सब में संबंध देखे। हम गाय को भी माता कहते हैं, हम तुलसी के पौधे को भी माता कहते हैं, हम बहती नदी को भी माता कहते हैं, हम पर्वतों की प्रदक्षिणा करते हैं, हम धूल को माथे पर लगाते हैं, हम सर्वत्र पवित्रता देखते हैं, हम सर्वत्र संबंध देखते हैं। और इसलिए इन सारे संकटों से रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति, रास्ता दिखाने वाला समुदाय, समाज भारत में मिले, भारत से मिले, ये दुनिया की अपेक्षा है। उस अपेक्षा को भारतवासियों को पूरा करना है, लेकिन क्या भारतवासी अपने इस संचित धन को जानते हैं? क्या उसका गौरव उनके हृदय को मालूम है कि हमारे देश को गुलाम करने वालों ने जिस शिक्षा पद्धति में हमको जो पढ़ाया कि तुम्हारे पूर्वजों ने कभी रणगौरव धनगौरव प्राप्त नहीं किया, तुम्हारा इतिहास क्या है? एक डार्क हेज है जिसमें पता ही नहीं चलता किसको क्या हुआ। डार्क एज के समय वे लोग भी डार्क में थे, ये इतिहास है, उन्होंने भी माना है, लेकिन वो कहते कि तब आप भी डार्क एज में थे, और बाद में कोई आया, उसने आप पर राज्य किया,
कुछ दिन के बाद दुर्बल हो गया, आपने उसको भगा दिया, दूसरा आया तुम पर राज्य किया। तुमने कभी किसी देश को चलाया नहीं, अपने देश को भी नहीं चलाया, कहीं पर तुमने रण में विजय, धन में विजय प्राप्त नहीं की। तुम केवल बाबूगिरी करने वाले हो, विदेश से कोई आए तुम पर राज्य करे, तुम उसकी जी हुजूरी चाकरी करो, बस यही तुम्हारी योग्यता है। ये हमको पढ़ाया गया गुलाम रखने के लिए। क्या हमारे दिमाग में आज भी वही बात है? क्या हम हिम्मत के साथ सारी दुनिया को बता सकते हैं कि हम अपनी उन्नति हमारी भाषा में कर लेंगे, हमको तुम्हारे भाषा की जरूरत नहीं है? क्या हम इसको बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं आज कि आज के आधुनिक विज्ञान को आत्मसात करके हमारे परंपरागत विज्ञान की काल सुसंगत बातें जोड़ के हम तुमसे भी श्रेष्ठ विज्ञान जगत को देंगे, जो प्रगति तो बनाएगा लेकिन किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा? क्या हम बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम तुम्हारे जैसा उत्तम चलाएंगे, तुमसे भी ज्यादा अच्छा चलाएंगे, लेकिन उसी समय उसमें एथिक्स लाएंगे ताकि मनुष्य पर यंत्र हावी न हो और उसका दुरुपयोग करके मानव एक दूसरे का गला न घोटे? क्या हम ये बता सकते हैं? क्या हमारे पूर्वजों के उस विद्या पर, उस समझदारी पर, अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने वाला जो सत्य उनके पास था, उस सत्य पर हमको गौरव है? चारों ओर दिख रहा था कि नहीं है, क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा था, हम भूल गए थे। ये बातें केवल पढ़ाने से नहीं होती, ये बातें घर में मिलती है, स्कूल में जाने की एक आयु होती है, उसके पहले घर में ये सारे संस्कार होते हैं। रोज शाम को और तुलसी बिरवा के सामने दीप जलाते समय शुभंकर होती कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हमने किसी स्कूल में थोड़ी पढ़ा, हमने अपने घर में कंठस्थ किया। मेरे घर में भरा हुआ अनाज केवल मेरे घर के लिए नहीं है, कोई आता है भूखा और मांगता है हाथ फैला के तो उसको देना है, यह संस्कार मुझे स्कूल ने नहीं दिया। मेरे घर में जो सामने आता था ऐसा उसको वापस नहीं भेजते थे खाली हाथ, और जो देना है उसको मेरे हाथ से दिलवाते थे, इसलिए मैं सिखाऊं। ऐसा हमको बनाने वाली हमारी जो संस्कृति है उसका ज्ञान हमारे पास है क्या? नहीं है। ये हमको देना है। स्वगौरव युक्त, स्वाभिमान युक्त, आत्मविश्वास युक्त और काल सुसंगत जो ज्ञान है उससे परिपूर्ण, उस सारे विद्या का ज्ञान का विनियोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को सबल समर्थ स्वाभिमान संपन्न और मेरे जैसा सबका विचार करके देश को देने वाला बनाने के लिए करना है। इस शिक्षा की जरूरत थी, इस शिक्षा की जरूरत है, इस शिक्षा की जरूरत सदैव रहती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आदमी के विचार को दिशा देने वाली शिक्षा चाहिए। अभी भी शिक्षा प्रणाली में क्या होगा हम राह देख रहे, कुछ होगा ऐसा लगता है, जब होगा तब होगा। विद्या भारती के काम को शुरू करने वाले कार्यकर्ताओं ने विचार किया, क्योंकि वो ऐसे थे, वो सोचते थे कि सरकार करेगी, राजा करेगा, अमुक करेगा, ये ठेकेदार पकड़ने की जरूरत क्या है, काम अगर मेरा है, मेरे देश का है तो मुझे ही करना है, मैं शुरू करता हूं। एक नवाब के घर में गांव के लोग आए दरबार में, कहा कि एक बालक है अनाथ है, किसका है पता नहीं, बहुत शिशु है, अभी तो दाद भी नहीं आए, तो अब हम तो नहीं रख सकते, हम गरीब हैं, आप हैं प्रजापालक, आप रखो इसको। तो नवाब ने कहा ठीक है, ये मेरा दायित्व है, उसने रख लिया, अंतपुर में भेज दिया उसको, वहां महिलाएं हैं वो चिंता करेगी तो अच्छा बनेगा। तो वही रहा अंतपुर में बड़ा हुआ, वो अंतपुर में बाकी किसी पुरुष को प्रवेश नहीं रहता है, वहां रखवालदार भी नपुंसक होते हैं। तो वो जो छोटे से बड़ा हुआ उसने कभी पुरुष को देखा ही नहीं था, उसके चारों ओर महिलाएं और नपुंसक ही थे।
बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया, तब एक बार उस अंतपुर में जनान खाने में सांप निकला, लंबा चौड़ा सांप था, विषैला था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन डर तो सभी जाते हैं सांप को देख के, तो सब डरे, भागदौड़ उड़कर होने लगी, और वो महिलाएं कहने लगी पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, सब चिल्लाने लगे, तो ये 15 साल का नौजवान वो भी चिल्लाने लगा पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। अरे भाई, ये सारे तंत्र जो है, ये सारी सत्ताएं हैं, ये सारे नेता है, पार्टियां है, इनको बल देने वाला कौन है, इनमें शक्ति भरने वाला कौन है, इनका सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन है? हम सब लोग है, जिनको जनता कहा जाता है, जिनको समाज कहा जाता है। तो अगर हमारा काम है तो हम शुरू कर दे तो अपने आप होगा, और किसी की राह क्यों देखनी है। इसलिए ऐसी शिक्षा का सूत्रपात किया गया जिसमें देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने पूर्व गौरव के प्रति, विश्व के हित के प्रति अपना स्वार्थ छोड़कर, अपने आंखों में से, मन में से सारे भेदों को निकालकर अपने शिक्षा का उपयोग सेवा में करने वाला। सेवा अनेक प्रकार की होती है। पहली सेवा है जो भी आप कर रहे हो वो उत्कृष्ट करो, वही सेवा है। नित्य जीवन में देशभक्ति, देश की सेवा करना, यानी क्या करना, जो अपना काम है उसको उत्तम करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अपना काम उत्कृष्ट करो, उसी में सिद्धि है। कौशिक नाम के एक ब्रह्मचारी थे, बहुत तपस्वी थे, ध्यान में बैठे थे, ऊपर से चिड़िया गई, उसने विष्ठा कर दी, इनके सर पे गिरी, हाथ लगाया देखते तो विष्ठा, गुस्से से उस चिड़िया को देखा, हवा में जल गई, वो मर गई। इनको बड़ा अच्छा लगा, क्या मेरी पावर है, कितनी तपस्या हुई है। उस आनंद में स्वच्छ होकर भिक्षा मांगने के लिए शहर में गए, 12:30 एक बजा था, धूप कड़क थी, ओम भवती भिक्षा ने ही कहा, माताजी आई घर के सामने भिक्षा देने के लिए, उतने में उनका पति आ गया, तो माताजी ने भिक्षा बाजू रख दी, पति को अंदर लिया, हाथ पैर उनके धुलवाए पानी से, उनको बिठाया, गुड़ की डली और एक ग्लास भर ठंडा पानी पिलाया, और पंखा ढलते ढलते कहा कि भोजन तैयार है, मैं स्वामी जी को भिक्षा देती हूँ, बाद में आपको भोजन कराती हूँ। इसमें 5-7 मिनट लग गया, वो धूप में खड़े कौशिक जी, बड़े पावरफुल ब्रह्मचारी, गुस्सा होने लगे कि मेरे जैसा तपस्वी दरवाजे पर खड़ा है और ये अपने पति की अवभगत कर रही, लेकिन अब बोले कुछ नहीं। आई वो भिक्षा देने लगी तो ये अपनी आंखें लाल करके उसको देख रहे, तो भिक्षा डालते डालते उसने कहा, उस महिला ने, कि ब्रह्मचारी जी इतना आंखें तरेर कर मत देखिए, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जल के भस्म हो जाऊंगी। तो उनको आश्चर्य लगा, इसको कैसे मालूम। उन्होंने पूछा, देवी ये अंतर्ज्ञान तुमको कैसे प्राप्त हुआ, तुम्हारी साधना कौन सी है बताओ, मुझे तो ये दूसरे के मन का जानने की या दूसरे का पूर्ववृत्ति जानने की सिद्धि नहीं है। तो महिला ने कहा कि ये मैं बता सकती हूं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं इतना ही बताती हूं, मैं इस घर की गृहिणी हूं, इस घर की मुखिया हूं, अपने यहां माताएं मुखिया रहती थी, वो दिखाने के लिए पुरुष मुखिया रहते थे, सारी चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, आज वैसा नहीं है इसलिए गड़बड़ है, आप ये परिवर्तन तुरंत करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए मैं अपना सारा काम व्यवस्थित करती हूं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको उपदेश अगर चाहिए तो दूसरे शहर में जाइए, वहां एक धर्म कीर्ति नाम का व्याध रहता है, धर्म व्याध ऐसा वो जाना जाता है, वो मांस बेचने का धंधा करता है, आप उसको मिलिए, वो आपको उपदेश करेगा। इनको और आश्चर्य लगा कि मैं तपस्वी ब्रह्मचारी और एक खाटिक मुझे वो मांस बेचने वाला, वो मुझे कसाई, वो मुझे उपदेश करेगा। लेकिन इसने बताया था, गए तो बाजार में गए और मांस के जहां बेचे जाता है दुकान वहां थे, उधर गए तो उसने दूर से रोका वो कसाई ने, महाराज रुको, ये आपको देखा नहीं जाएगा, रक्त वगैरह आपकी आदत नहीं है।
आप ऐसा करो, वहीं से बाएं मुड़ जाओ, आगे जाकर एक मंदिर है, वहां एक आम का पेड़ है, उसके नीचे मेरी कुटिया है, वहां पे आप मेरे प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं। अपने दुकान का सारा कामकाज वगैरह पूरा करके वो गया, जाकर हाथ पैर धोए, पहले अंदर गया, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, बाद में फलादि लेकर इनके पास आया, इनकी पाद्य पूजा की, फल वल दिए और कहिए कि क्या महाराज मैं आपकी सेवा क्या करूं, आपको उसने भेजा होगा तो आप शायद जिज्ञासा ये सिद्धि कैसे मिलती। तुमको पता कैसे, मैं तुम्हारे यहां आ रहा हूं, पता भी कैसे चला तुमको? तुमने कहा महाराज तपस्या एक रास्ता है, लेकिन अपने अपने स्थान पर अपना कर्तव्य उत्कृष्ट ढंग से पूरा करना, यह भी सिद्धि का एक रास्ता है। पहली सेवा तो वही है, आप जहां सरकारी अफसर है, आप जहां कलेक्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, काम उत्तम करो। लोकमान्य तिलक जी के लड़के ने, लोकमान्य तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि तुम पढ़ाई ठीक करो, गणित जैसे विषय में गति पढ़ाई से ही मिलती है, मैं गणित का अच्छा ज्ञाता इसलिए प्रसिद्ध हूं, तुम उसमें पारंगत हो जाओ। तो उसने उत्तर लिखा तिलक जी को कि मुझे गणित बिल्कुल प्रिय नहीं है, मुझे सीखना नहीं है गणित, वैसे आप अगर मेरी रुचि जानते हो तो मैं बताता हूं आपको, जूता सिलने में मेरी रुचि अच्छी है, अगर वो पढ़ाऊं, मैं पढ़ूं तो चलेगा क्या? तो लोकमान्य तिलक जी ने उत्तर लिखा है, पत्र है, रिकॉर्ड में है, कहा कि तुमको जूता सीना अगर सीखना है तो मेरी कोई आपत्ति नहीं, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन याद रखना जूता सीना ऐसा सीखो कि पूना शहर में लोग कहेंगे कि अगर जूता लेना हो, खरीदना हो, तो तिलक जी के बेटे से ही खरीदना। इस वृत्ति के साथ अपने अपने काम को उत्कृष्ट करना, प्रामाणिकता से करना, निस्वार्थ बुद्धि से करना, उपकार के रूप में नहीं, आजीविका के रूप में नहीं, सेवा के रूप में करना। हम जो जो करते वो देश सेवा है, इसलिए करते हैं, अपने लिए करते वो छोड़ के, स्नान भोजन, लेकिन अपने लिए भी करते हैं तो अपना सामर्थ्य देश सेवा में ही लगता है, बाकी सब जो हम करते हैं वो देश की सेवा है। और अभी अपना देश दुनिया का प्रगत देश नहीं है, अभी अपने देश में सब लोग दुख मुक्त भी नहीं है, इसलिए और विशेष भी प्रयास करने होंगे। हमारे देश में हमको जहां जहां दुख, स्वार्थ, ईर्ष्या, लालसा, अभाव आदि आदि संकट दिखते हैं, वहां के लोगों को उन संकटों से मुक्त करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं करना प्रारंभ करूं। आप समूह बनाकर कर सकते, करो, कोई संस्था है आपका संबंध है उनके साथ करो, विद्या भारती के छात्र एकत्र आकर करते बहुत अच्छी बात है, संघ के संयोजकों के साथ करते बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं अपना काम प्रारंभ करते हैं बहुत अच्छी बात है, जैसा होता है वैसा, जितनी आपकी शक्ति है उतनी आप करो। सेतु बंधन में गिलहरी भी परिश्रम कर रही थी, श्री राम ने उसको एक्नॉलेज किया, लक्ष्मण जी कह रहे थे इससे क्या होगा, उन्होंने कहा इससे क्या होगा नहीं, बूंद बूंद से तालाब भरता है,